वज़ीर-ए-आज़म पाँच रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असेंबली इजलास का खिताब करेंगे। साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। फलस्तीनी सदर, बरतानवी हमनसब और यूएन सेक्रेटरी जनरल से बैठक मुतवक़े। वर्ल्ड बैंक और IMF सरबराहान से मुलाकात शेड्यूल। मसला कश्मीर और फलस्तीन समेत अहम इलाकाई और आलमी मामलों पर खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल और पाकिस्तानी बैंकर से मुलाकात मुतवक़े। चीफ एडवाइजर बांग्लादेश डॉक्टर यूनिस के एशाइये में शिरकत करेंगे। 28 सितंबर को बरास्ता लंदन वापस रवाना होंगे। विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारिक खालिद मकबूल सिद्दीकी भी साथ मौजूद। जंगी जराइम का आदि इसराइल गजा के बाद लिबनान पर चढ़ दौड़ा। वैश्याना बमबारी में शिद्दत आ गई। 492 शहरी शहीद, 1600 से ज्यादा जख्मी हो गए। सिहूनी दहशतगर्दी में 36 बच्चे और 58 खवातीन शहीद। जेंसर यूनिवर्सिटी की दो तालिबात भी निशाना बन गईं। मुतअद्दिद इमारतें और घर तबाह, बड़ी तादाद में शहरियों का इनखला। शहरियों को हिजबुल्ला ठिकानों से दूर रहने के लिए फोन कॉल्स का सिलसिला जारी। लिबनान यूनिवर्सिटी के कैंपस और जूनियर स्कूल्स बंद। सिहूनी फोर्सेस का लिबनान में कार्रवाइयां मजीद तेज करने का ऐलान। ईरानी सदर का कहना है इसराइल की लिबनान में बमबारी पागलपन है। मशरक़ वुस्ता में जंग किसी के मफाद में नहीं होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का ऑर्डिनेंस के तहत कायम जजेस कमेटी में बैठने से इनकार। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़ुज़ात का इजहार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शिरकत किए बगैर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी को खत लिख दिया। कहा जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस के इजरा के चंद ही घंटे बाद कमेटी दोबारा तश्कील दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर को वजह बताए बगैर कमेटी से हटा दिया गया। अपनी मर्जी का मेंबर शामिल करके मनमर्जी की गई। एकदम गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। कमेटी में वापसी के लिए तीन शराइत रखती। कहा ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत तय होने तक कमेटी में नहीं बैठूंगा। ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। दूसरी सूरत में जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल करें। मखसूस नशस्तें PTI को देने का फिर हुक्म। सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती जजेस का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने का हक मुतासर नहीं करता। आम इंतखाबात में PTI ने बड़ी तादाद में सीटें जीतीं। PTI की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसली वक्त जवाब नहीं दिया गया। PTI के मुताबिक ये आज़ाद उम्मीदवार उनके थे। वोटर ने दर हकीकत PTI का उम्मीदवार होने पर उन्हें वोट दिया। मखसूस नशस्तों के अलॉटमेंट से मुतालिक इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन करार। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में करार दिया इलेक्शन रूल 94 आर्टिकल 51 और इलेक्शन एक्ट के शिक 106 से मुतसादिम है। इलेक्शन रूल इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही नहीं बनाए जा सकते हैं। रूल्स में ऐसी चीज शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा गया कि सियासी जमात वो तस्वर होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो। ये रूल आइन और इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल में गलतियां करे तो अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। ये आवाम के वोट के हक के तहफ्फुज का आइनी फरीजा था जो सुप्रीम कोर्ट ने अदा किया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर का अमल जज के मनसब के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का 2 जजेस के इख्तराफी नोट पर तहफ्फुजात का इजहार। तफसीली फैसले में कहा जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर ने 12 जुलाई के अक्सरगती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरगती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी का मखसूस नशस्तों के केस में इख्तलाफी नोट भी जारी। लिखा तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों के लिए अहल जमात है। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे। फैसले इस असूल पर होते हैं कि रिलीफ कौन मांगने आया। PTI इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फरीक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद ये सवाल अपनी जगह मौजूद है।
वसीरे कानून आसम नसीर तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा आज के फैसले पर भी कहा जा रहा है कि आईन दोबारा तहरीर किया गया। पीटीआई बतौर जमात ये निश्चिस्ते मांगने आई ही नहीं, आजाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हुकूमत को कोई मसला नहीं, जस्टिस मंसूर अली शाह ने उम्र की हद बढ़ाने पर एतराज नहीं किया। भरपूर मुतालबा करते इलेक्शन कमीशन से के फिल 4 38 हमारे बाकी मानदा एमएनए के फिल 4 नोटिफिकेशन किया जाए। हमने यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी के कहने पे हकूमत का अलाकार बन के अपने आजाद और आईनी हैसियत कंप्रोमाइज कर बैठी है। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीजन दी है, आपके किरदार पे, आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है, इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस नशिस्तों का ऐलान करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन ने चौथी मीटिंग कर ली मगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की वजह से केपी में सेनेट इलेक्शन ताखीर का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाया है। जिस आईनी तरमीम से अदलिया पर कदगन लगे उसे कबूल नहीं करेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत पर 28 सितम्बर को रावलपिंडी में जलसा करेंगे। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी इकदाम कतल समेत 13 दफात शामिल। एसएसओ की मदयत में दर्ज एफआईआर में कहा गया कि लाहौर पुलिस के जवान सियालकोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे। अली अमीन गंडापुर की क्यादत में 300 अफराद का जत्था आया। मुश्तिल मुसल्ला अफराद ने टोल प्लाजा के शीशे और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। टोल प्लाजा पर कतार में लगी गाड़ियों के शीशे तोड़े, आग लगाने की कोशिश की। मुश्तिल जत्थे ने पुलिस पर असलहा भी तान दिया। पुलिस एहलकारों ने छलांगे लगाकर जाने बचाए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए DGISI तैनात, 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने अपने कोर्स में एजाजी शमशीर हासिल की। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकी जाए, सीज फायर होने तक इसराइल से कोई बात नहीं हो सकती। बानी पीटीआई के डाला जेल में सहाफी से गुफ्तगू, कहा मेरा मासी और आज भी मौकफ वासे है कि दो रियासती हल की जानिब जाएं, फिर ही कोई बात हो सकती है। जो बात किसी को समझ नहीं आई वो ये कि इसराइली अखबार ने दरअसल मेरी तारीफ की है। अखबार ने लिखा है कि मैं पाकिस्तान का वाहिद लीडर हूँ जिसकी दुनिया में कोई साथ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के कौमी दिन के मुनासबत से वीडियो पैगाम, इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। सदर आसिफ जरदारी, वफाकी वज़रा, गवर्नर्स और वज़राए आला की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी ने खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। अमरीकी सफीर जॉनल्ड ब्लूम की जाती उम्र आमद, सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के माबैन बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं। आर्टिकल 63A पर नजरसानी दरखास्तें 30 सितंबर को समाप्त के लिए मुकर्रर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में फैसला, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाप्त करेगा। ऑडियो लीक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। ऑडियो लीक केस आइंदा हफ्ते समाप्त के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली केस, इलेक्शन कमीशन के अख्तियार के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। पीटीआई के इस्लामाबाद से तीनों उम्मीदवारों ने इंटर कोर्ट अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दो रुकनी बेंच आज समाप्त करेगा। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी के सरबरा जेयूआई मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में मुल्क की मजमू सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर मौलाना फजल रहमान से साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।